मोदी जी बड़का कितना मैंने धन कमाया, अपने पैसा से दे रहे हैं, हमारे पॉकेट के पैसा से फ्री अनाज दे रहे हैं। ये आएंगे उत्तर प्रदेश के, कौन है वो, क्या नाम है, योगी। बीजेपी की हो या आरजेडी हो या एनडीए हो, बाकी किसी की भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि विकास हो। अभी जब बाबा आए हैं, बाबा सबके लिए हैं, तो इसमें बीजेपी वाले इन्वॉल्व सिर्फ क्यों हो रहे हैं? बस हाँ, उसी का चुनाव का तैयारी है, चुनाव का तैयारी है, बीजेपी का फंड है, बीजेपी का ये इलेक्शन का तैयारी हो रहा है। सिर्फ ये बाबा से अगर सब लोग ये मतलब सबका कल्याण हो जाए, तो राजनीतिक से ऐसा कुछ नहीं है, बाबा सिर्फ जो आ रहे हैं धर्म के प्रति। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब एक साल से कम का समय बाकी रह गया है। अब ऐसे में सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। देखिए, बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगता है कि बीजेपी चुनावी मैदान में बाबा और भगवान के सहारे उतरती है। तो ऐसे में हम आ पहुंचे हैं जनता के बीच, तो आइए चलते हैं जनता से जानते हैं कि क्या 2024 में बाबा और भगवान नरेंद्र मोदी को जीत दिला पाएंगे। अच्छा, देखिए, बीजेपी पर जितना बार बार आरोप लगता है 2024 में, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मैदान में बाबा और भगवान के सहारे उतरती है। बात सही है। अच्छा, क्यों? इस क्यों? आज तक सीनियर सिटीजन खत्म किया था कोई, पुरुष के 30% और महिला के 40%। मोदी जी बड़का कितना मैंने धन कमाया, अपने पैसा से दे रहे हैं, हमारे पॉकेट के पैसा से फ्री अनाज दे रहे हैं। अच्छा। कोरोना काल में 2 साल डीए बंद कर दिए, कहाँ से एक एक फर आदमी के 2,000 रुपया मैंने डीए। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी जो है बाबा और भगवान के सहारे को है? सहारे है, चोर है, अचोटता है। अच्छा। हाँ, आप तो बहुत नाराज हैं। नाराज इसलिए है कि बूढ़ा बुजुर्ग को थोड़ा सा राहत मिलता था। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में क्या होगा, क्या इन दोनों के सारे बाबा और भगवान के सारे नरेंद्र मोदी की मैया पार हो जाएगी? नहीं पार होगा, नहीं पार होगा। क्या लगता है, क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। क्या लगता है कि बाबा और भगवान के सहारे नरेंद्र मोदी की मैया पार हो जाएगी, फिर से पीएम बन जाएंगे? उनका तो उम्र खत्म हो चुका है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पीएम ना होगा? बिल्कुल। हाँ, तो फिर 2024 की बात हो रही है, तब नरेंद्र मोदी की कैसे पीएम की बात कर रहे हैं? उनके जगह पर दूसरा कोई आदमी आएगा ना। अच्छा। वो तो सर्टिफिकेट उम्र ना कर दिए हैं अपना घोषणा। अच्छा। उनको याद दिला रहे हैं। हाँ, जो अब वो रिटायरमेंट का समय आ गया है। ये आएंगे उत्तर प्रदेश के, कौन है वो, क्या नाम है, योगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगता है कि चुनावी मैदान में हमेशा जब बीजेपी कूदती है तो भगवान और बाबा के सहारे कूदती है। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरा कहना कुछ अलग है, इन लोगों का कहना कुछ अलग है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई किसी को खाना नहीं खिला देगा। ठीक है, कर्म तो करना है ना। हाँ, बाकी किसी की भी सरकार हो, कितना काफी किसी की भी सरकार हो, जनता को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। बीजेपी की हो या आरजेडी हो या एनडीए हो, बाकी किसी की भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि विकास हो। चलिए, मतलब आप खुश हैं नरेंद्र मोदी से? किसी से भी नरेंद्र मोदी एक नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको दोबारा पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल, काम कर रहा है तो क्यों नहीं देखे, काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी पर इल्जाम लगता है कि जब भी चुनावी मैदान में उतरती है तो बाबा और भगवान का सहारा लेती है, क्या चाहिए? इसमें गलत क्या है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अभी जब बाबा आए हैं, बाबा सबके लिए हैं, तो इसमें बीजेपी वाले इन्वॉल्व सिर्फ क्यों हो रहे हैं? अच्छा, बाकी लोगों को इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, बाकी लोगों की इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है 2024 में भी? बस हाँ, उसी का चुनाव का तैयारी है, चुनाव का तैयारी है, बीजेपी का फंड है, बीजेपी का ये इलेक्शन का तैयारी हो रहा है। हाँ, इलेक्शन की तैयारी हो रहा है। तो मतलब ये जो अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो 2024 में क्या लगता है, नैया पार हो पाएगी? अब ये कौन जानता है, अगर पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक अगर इसी को सब कुछ मान लेती है कि हाँ यही सत्य है, एजुकेशन को छोड़ दे, हेल्थ को छोड़ दे, सिर्फ ये बाबा से अगर सब लोग ये मतलब सबका कल्याण हो जाए, तो फिर वही होगा जो होते आया है। कहाँ से आ रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के दरबार से आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, नौबतपुर से आ रहे हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि बाबा और भगवान के सहारे, देखिए बीजेपी पर लगातार आरोप लगता है कि जब भी चुनाव आता है तो बाबा और भगवान का सहारा लिया जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है मैम, भक्ति अपने जगह है, चुनाव अपने जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा कि जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए, पूरा का पूरा पूरा जो बिहार बीजेपी है वहाँ पर मंच पर उनका स्वागत कर रहा है, आरती उतार रहा है, लेकिन ये तस्वीर हमने भी देखी है। अच्छा, पब्लिक तो बीजेपी का नहीं ना है मैम, हम तो लालू का है। अच्छा, आप लालू के? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, भक्तिमय है, भक्तिमय चलेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगता है बीजेपी पे सरासर गलत गलत है, सहारा नहीं लेते। हम घूम के आए हैं, अभी आ रहे हैं, घूम के आए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा बिहार बीजेपी जो है उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर ये सब के विषय में नहीं, पब्लिक वहाँ पहुँचा हुआ है, इसके विषय में नहीं हम बता। नेताओं को भी आपने देखा होगा, बीजेपी के नेताओं को देखा होगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग कल गए थे भी रात में देखने के लिए, जिस तरह से पंडाल बना हुआ था उनका क्या है, सारा चीज देखे थे वहाँ पे, कैसा है। नहीं ऐसा तो हमने वहाँ पे नहीं देखा, बीजेपी ऐसा कुछ, ये राजनीतिक से ऐसा कुछ नहीं है, बाबा शिव जो आ रहे हैं धर्म के प्रति, ये चर्च ठीक है कि हाँ ठीक है, मनोज लगता है आपको कि क्या ये सब 2024 के लिए? नहीं ऐसा, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ चुनावी के मुद्दे पर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और हनुमंत कथा के लिए आए यहाँ पे, हनुमान भक्त के लिए। आरोप लगता है कि नहीं ऐसा बीजेपी, नहीं तो ये सरासर गलत है, इल्जाम लगाना सरासर गलत है, बीजेपी के इल्जाम लगाना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई मकसद है 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आए हैं वो हनुमंत कथा का यहाँ पे कर रहे हैं बस, और इसे और बीजेपी थोड़ा बहुत इसका कारोबार संभाल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है बस। नहीं ऐसा बात तो नहीं है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं। हाँ आए हुए हैं, पूरे बीजेपी ने खुले दिल से स्वागत किया है। हाँ सब लोग कर रहे हैं, ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है। हाँ? क्या लगता है कि भगवान और बाबा के सारे नरेंद्र मोदी की नैया पार लगेगी 2024? नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सब लोग का विश्वास है भगवान के ऊपर, आए हुए हैं, लोगों से प्यार है, स्नेह है। नैया पार लगेगी 2024 में, फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कि लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं। आपने सुना कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ कहा कि आएंगे तो मोदी ही, लेकिन वहीं कुछ ऐसी आबादी भी थी जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। तो अब आगे क्या होगा, इस तरह के तमाम अपडेट्स बिल्कुल ऐसे ही हम आप तक लाते जाएंगे, तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया। मोदी जी बड़का कितना मैंने धन कमाया, अपने पैसा से दे रहे हैं, हमारे पॉकेट के पैसा से फ्री अनाज दे रहे हैं। ये आएंगे उत्तर प्रदेश के, कौन है वो, क्या नाम है, योगी? हाँ, बीजेपी की हो या आरजेडी हो या एनडीए हो, बाकी किसी की भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि विकास हो। अभी जब बाबा आए हैं, बाबा सबके लिए हैं, तो इसमें बीजेपी वाले इन्वॉल्व सिर्फ क्यों हो रहे हैं? बस हाँ उसी का चुनाव का तैयारी है, चुनाव का तैयारी है, बीजेपी का फंड है, बीजेपी का ये इलेक्शन का तैयारी हो रहा है। सिर्फ ये बाबा से अगर सब लोग ये मतलब सबका कल्याण हो जाए, राजनीतिक से ऐसा कुछ नहीं है, बाबा सिर्फ जो आ रहे हैं धर्म के प्रति।